ओह माय गॉड, खाना खाना विद दिस व्यू, अमेजिंग। ये बहुत बढ़िया व्यू है और ये बहुत बढ़िया लड़की है। आपस में तो गुड मॉर्निंग की नहीं हमें, आप लोगों को गुड मॉर्निंग। डे वन हमारे थाईलैंड के ट्रिप का, सॉरी डे वन नींद में हूँ अभी तक। डे टू फुकेट में है हम, और मतलब रिजॉर्ट में है, और हम गाड़ी में जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने, बिकॉज ये रिजॉर्ट इतना ज़्यादा बड़ा है कि पैदल नहीं जा पाएंगे। तो यहाँ पर एक कॉल करते ही फटाक से लेने आ जाती है शटल हमें, और फिर हम चले जाते हैं। फुकेट का डे वन का पार्ट वन का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज़रूर चेकआउट करना। द ग्रैंड विंडम रिजॉर्ट का जो प्राइवेट पूल विद ओशन व्यू वाला रूम है, हनीमून कपल्स के लिए या किन्हीं भी कपल्स के लिए कितना परफेक्ट है। टाइमली बुक करवा लो, 12,000 से 15,000 रुपये में आराम से मिल जाएगा एक दिन का, और अगर नॉर्मल रूम लेते हो तो 5-6 हज़ार का भी मिल जाएगा, और बाकी आप सारे रिजॉर्ट की फैसिलिटी एंजॉय तो कर ही सकते हो। तो लिंक ज़रूर चेकआउट करना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आई बटन क्लिक करके। और आज हम बताते हैं आपको यहाँ का खाना कैसा है। खाना खाने जा रहे हैं, बुफे ब्रेकफास्ट इज इंक्लूडेड। थोड़ा सा रिजॉर्ट का टूर भी दिखा देते हैं। पैरिसॉन बॉल रूम ये कुछ बना हुआ है, काफ़ी अच्छे विजुअल्स हैं पूरे रिजॉर्ट में, पानी का बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल किया गया है। विजुअल एक्सपीरियंस और पीसफुल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे। अब यहाँ से हम अंदर एंटर करते हैं, देखते हैं कि खाने में क्या क्या है। अब मुझे तो वेजिटेरियन खाना पसंद है, और अगर मैं नॉनवेज थोड़ा बहुत खा भी लेती हूँ तो यहाँ का नॉनवेज से तो मुझे डर लग रहा है। बाद में आई रियलाइज थाईलैंड के वैसे मोस्टली रिजॉर्ट्स में होटल्स में ना बाहर की तरफ इंडियन खाने का काउंटर भी लगा होता है, बट इंडियन खाना ना अंदर नहीं जा पा रहा होता है। सीरियल सिलेक्शन, ऐसे कैसे सीरियल्स हैं। अभी सीरियल्स चलो एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ही न्यूट्रल टेस्ट करेगा और आराम से खाया जाएगा बिना किसी नॉनवेज के स्मेल के। ड्राई फ्रूट्स, योगर्ट, कितना कुछ रखा हुआ है। योगर्ट का टेस्ट कर बहुत ही अजीब लगा रहा है मुझे। Edam cheese, emmental cheese, hams, different things to try. इन्होंने हनी लेने के लिए ऐसे बनाया है। देखो इनका बटर के डब्बे, ये इनकी क्रीम चीज। Here comes my life savior. जो भी लोग इंडिया से आ रहे हैं ब्रेड्स तो खा ही सकते हैं ना। क्रिसॉन्स हैं यहाँ पे बहुत टेस्टी टेस्टी, इतने सारे टाइप्स के, बटर लगाओ, जैम लगाओ, जैसे मर्जी खाओ। अच्छे कॉन्डिमेंट लग रहे हैं, ये बढ़िया लग रहे हैं। कुछ वाइट राइस विद प्रॉन्स, रेड करी विद ऑबर्ज, ये क्या होता है? अरे थाई करी, मॉर्निंग करी, वॉक करी विद पाइन एप्पल, ऑरेंज जूस, पाइन एप्पल जूस, बटर फ्राई बी जूस, विंग बीन, अभी पता नहीं क्या है। थाई हर्ब्स हैं। What is this? Vermicelli, ऐसे white color की? Green curry vegetables, अभी इसमें है नहीं। Red curry fish, होगी इसके अंदर। Red curry chicken, होगा इसके अंदर। भाई मैं खा के दिखाऊंगा ना। ये बहुत difficult है। ये बना हुआ है, मैं खा लूँगा। और noodle soup. ये noodle soup है, इसके अंदर soup डालना है। Nice. ये green soup है, और ये boiled rice prawn है। अभी ये लोग पता नहीं क्या चाहते हैं, पूरे पूरे ताज़े पाइन एप्पल्स और गोभी, शिमला मिर्च, सब कुछ ऐसे कच्चा चबा जाए हम लोग। इतनी सारी तरह की मार्मलेड्स, जैम्स, पीनट बटर, दिस लिटरली एवरीथिंग ओवर हियर। लाइक कितना कुछ है खाने के लिए, बट स्टिल इंडियन फूड वैसा नहीं है, बट जो भी समझ में आया मैंने तो अपने प्लेट में वो चीज़ें ली। एंड वी हैव स्टार्टेड द वीडियो। यहाँ से हम ब्रेकफास्ट करके आए हैं, बहुत बढ़िया सा। ये बहुत बढ़िया व्यू है और ये बहुत बढ़िया लड़की है। इसके पीछे इन्फिनिटी ओशन है, इन्फिनिटी ओशन, विच मीन्स ये ओशन ख़त्म ही नहीं होता। लड़की ख़त्म हो गई बट ओशन ख़त्म नहीं हो रहा। ये है हमारे व्लॉग का कंटेंट, ये हमारे व्लॉग का कंटेंट। व्हाट इज दिस बताओ? ये पत्थर है, उसमें पानी है और क्या है?
और पहाड़ दिख रहे हैं। आप प्राइवेट पूल वाला रूम ना भी लो, नॉर्मल 5000 वाला रूम भी ले लो तो भी सारी चीज़ें मिल रही हैं। 5000 तो मैं दिल्ली में मुश्किल से रूम मिलता है, और ऐसा व्यू ओशियन वाला, डैम दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल, टोटली वर्थ इट, वेरी अफोर्डेबल थाईलैंड के हिसाब से। चलो खाना तो हो गया व्यू के साथ, और भी तो कितना कुछ होगा ना रिजॉर्ट में। ये देखो यहाँ पर पूरा जिम भी बना हुआ है, तो अगर किसी को वर्कआउट करना है तो वो भी वर्कआउट कर सकते हैं, उनके लिए एक अच्छी फैसिलिटी है। देन बस यहाँ पे ज़रा सा आ गया जो, तो यहाँ पे इन्फिनिटी पूल भी है, यानी कि ऐसा पूल जो कि इम्प्रेशन देता है कि उसका जो बॉर्डर है वो एक्चुअली है ही नहीं, और वो मर्ज हो रहा है अपने सराउंडिंग और लैंडस्केप के साथ में। आराम से पूल के अंदर कॉर्नर में खड़े हो, व्यू लो, क्या मज़ा आए। फॉर अ चेंज हम पैदल जा रहे हैं, पता नहीं क्यों, क्योंकि हमें दिखा नहीं कोई। आ गया वो, आ गया, चलो ढूंढ दिया इन्होंने रूम हमारा, शॉर्टकट निकाल के बच गए हम। काफ़ी मेहनत लग रही है चलने में बाकी। ये हमारे रूम्स का बाहर का व्यू है, ये देखो यहाँ से मेरा पति चढ़ता हुआ दिख जाएगा आपको। अब रूम के अंदर के व्लॉग के लिए लिंक ज़रूर चेकआउट करना, साथ ही में फुकेत की नाइट लाइफ वाला वीडियो देखना मत मिस करना। अनडाउटेडली पूरे थाईलैंड की ट्रिप की बेस्ट नाइट लाइफ फुकेत में आप इन्जॉय कर सकते हैं। एंड देन नेक्स्ट एपिसोड देखना मत भूलिएगा, वहाँ पे मैं आपको बेस्ट इंस्टाग्राम वर्दी प्लेस बताने वाली हूँ फुकेत में, थाईलैंड में, और साथ ही में टाइगर वाली चीज़ें भी, बहुत कुछ, पूरा थाईलैंड घुमाएंगे हम आपको अपने साथ में। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, #couple को कमेंट्स में बताना वीडियो और ये रिजॉर्ट कैसा लगा आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग।